गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ईवीएस वर्कशीट चैप्टर नंबर फोर्टीन बसवा फर्स्ट वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट वॉट इज बसवाज फादर बसवा के फादर क्या हैं ए फार्मर बी डॉक्टर सी मैकेनिक डी टीचर सो द आंसर इज फार्मर नेक्स्ट विच प्लांट्स हैव स्टार्टेड टू स्प्राउट कौन से प्लांट्स थे जो स्प्राउट होना शुरू हो गए थे ए अनियन बी टमेटो सी पटेटो डी कैरेट सो द आंसर इज अनियन नेक्स्ट वॉट डेड बसवा डू विद हिज फादर इन द फील्ड बसवा अपने फादर के साथ क्या करता था फील्ड में ए हेल्प्स बी डिड नॉट हेल्प सी बोथ ए एंड बी डी नन ऑफ दी सो द आंसर इज हेल्प्स नेक्स्ट इन वॉट डिड बसवास अपा कैरी द अनियन टू सेल इन टू द मार्केट किसमें बसवा के अपा ने अनियन कैरी किए थे मार्केट में बेचने के लिए ए ट्रक बी रिक्शा सी बुल्का डी नन ऑफ दी सो द आंसर इज ट्रक नेक्स्ट वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स फोर्स बसवास फादर इज़ अ डैश बसवा के फादर क्या है फार्मर ने डैश इज़ यूज टू डिग एंड लूज इन द दॉयल क्या यूज़ किया जाता है सॉइल को डिग और लूज़ करने के लिए खुंटी नेक्स्ट डैश इज़ यूज इन स्प्रिंकलिंग द सीड्स सीड्स को स्प्रिंकल करने के लिए क्या यूज़ होता है कुरिगी नेक्स्ट डैश इज़ यूज टू कट द ड्राइड लीव्स ड्राइड लीव्स को कट करने के लिए क्या यूज़ होता है इलीक नेक्स्ट बसवा लिव्स इन डैश विलेज इन डैश बसवा कहाँ कौन से गांव में रहते हैं बेलवानी का और वो कहाँ पे है कर्नाटका नेक्स्ट बसवाज़ फादर प्लांटेड डैश सीड्स इन द फील्ड्स बसवा के फादर जो थे उन्होंने आ, कौन सी सीड्स को प्लांट किया था फील्ड में अनियन नेक्स्ट नाव अ डेज डैश आई यूज टू प्लो द फील्ड्स आज के टाइम में फील्ड्स को प्लो करने के लिए क्या यूज़ होता है ट्रैक्टर्स नेक्स्ट डैश डेज आफ्टर द सीड्स व सोन द स्प्राउट्स केम आउट कितने दिन बाद सीड्स जो हैं वो सो हो गई थी और स्प्राउट्स बाहर आ गए थे सो ट्वेंटी नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग फर्स्ट वी हैव खुंटी खुंटी विल मैच विद आयरन रॉट नेक्स्ट इलीग इलीग यू विल मैच विद शार्प टूल नेक्स्ट वीड्स यू विल मैच विद अनवांटेड प्लांट्स नेक्स्ट बुलक यू विल मैच विद टू पुल द कुरीगी नेक्स्ट कुरिगी यू विल मैच विद टू स्प्रिंकल द सीड्स नेक्स्ट प्लोइंग मैच विद लूजनिंग द सॉइल

कुरकी यूज़ किया था सीड्स को स्प्रिंकल करने के लिए बुलेट्स की हेल्प से नेक्स्ट इलीग टू कट द ड्राई लीव्स ऑन द टॉप ऑफ द अनियंस इलीग यूज़ किया था ड्राई लीव्स को कट करने के लिए जो कि अनियंस के ऊपर होते नेक्स्ट क्वेश्चन वाई शुड द वीड्स बी रिमूव वीड्स को रिमूव क्यों करा जाना चाहिए सुधा आंसर वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स विच मस्ट बी रिमूव्ड सो दैट दे टू नॉट टेक अप ऑल द वाटर एंड फर्टिलाइजर्स दैट आर मेंट फॉर मेन प्लांट्स अब वीड्स होते हैं ये अनवॉन्टेड प्लांट्स होते हैं जो कि रिमूव करे जाने चाहिए जिससे कि वो सारा पानी और फर्टिलाइजर ना ले ले जो कि किसके लिए होता है मेन प्लांट्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डिड बसपा फादर कम टू नो दैट द अनियंस आर रेडी टू बी टेकन आउट बसपा के फादर को कैसे पता चला था कि अनियंस अब तैयार हैं बाहर निकालने के लिए सुधांसर द लीव्स ऑफ अनियन बिकेम येलो एंड स्टार्टेड ड्रॉइंग अप बाय दिस बसपा फादर केम टू नो दैट द अनियंस वर रेडी टू बी टेकन आउट अब जो अनियंस uh, की अनियन की जो लीव्स थी वो येलो होने लगी थी और uh, सूखने लगी थी तो इससे बसपा के जो फादर थे उन्हें पता लगा कि अनियंस जो है वो अब तैयार हो गए हैं बाहर निकालने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन वाई शुड अनियंस टू बी टेकन आउट एट राइट टाइम अनियंस को सही समय पर बाहर निकालना क्यों जरूरी है आंसर इफ़ अनियंस आर नॉट टेकन आउट एट द राइट टाइम इट वु लेफ्ट रोटन इन द ग्राउंड इट्स एट अगर हम अनियन को सही समय पर बाहर नहीं निकालेंगे तो वो ग्राउंड uh, में क्या हो जाएंगे कैसे वो बिल्कुल सड़ जाएंगे रोटन हो जाएंगे तो इसलिए उन्हें सही टाइम पे निकालना इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन वाई इज बसवास फैमिली हैप्पी एंड वॉट टू द डू विद द अनियंस बसपा की फैमिली खुश क्यों थी और उन्होंने अनियंस का क्या किया सुदान आंसर बसपा फैमिली इज हैप्पी बिकॉज द अनियंस आर बिग एंड हेल्दी दे टेक द अनियंस इन द ट्रक टू सेल इट इन द बिग माँ बसपा की फैमिली इसलिए खुश थी क्योंकि जो अनियंस थे वो बड़े हो गए थे और हेल्दी हो गए थे और फिर उन्होंने अनियंस को ट्रक में भरा जिससे कि वो उसको मार्केट में बेच सके नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन फार्मिंग आपको स्टेप्स लिखने हैं जो कि फार्मिंग में इन्वॉल्व होते हैं द आंसर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन फार्मिंग आर अब वो स्टेप्स जो कि फार्मिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं प्लोइंग स्प्रिंकलिंग सीड्स वाटरिंग रिमूविंग वीड्स यूजिंग फर्टिलाइजर्स हार्वेस्टिंग एंड फाइनली मार्केटिंग सो चिल्ड्रन कंप्लीट दीज एक्सरसाइजेज इन योर नोटबुक एंड थैंक यू चिल्ड्रन